हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज हम आपके लिए किचन से कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आए हैं कि आप अपने कामों को कैसे इजी बना सकते हैं। और जी हाँ, मैं आपको अपना गैस स्टोव दिखा रही हूँ और मैं इसको कैसे क्लीन करने वाली हूँ वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन सुपर हीरो है वो है कोलगेट। तो कोलगेट का यूज़ हम कैसे करके अपने चीज़ों को कैसे क्लीन कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे, लेकिन ये वीडियो कुछ हटके होने वाली है। और आज मैं आपको पूरी तरह से बताने वाली हूँ कि आज हम कोलगेट का यूज़ करके कैसे कैसे हम अपनी चीज़ों को मतलब क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कोलगेट ले लिया है, आप कोई भी मतलब कोलगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको दिखाऊँगी कि मैं अपने गैस को कैसे क्लीन करती हूँ। और आप इस तरह का कोई भी मतलब स्कॉच ब्राइट या जूना वगैरह ले लें, उसमें आपको इस तरह से थोड़ा सा कोलगेट लगाना है। और बस मैं इसमें कोलगेट का ही फ़िलहाल यूज़ करूँगी। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कभी कभी हमारे जो बर्नल होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जो फ्लेम होती है ना वो फ्लेम मतलब कभी कभी डाउन होने लगती है, वो आग जो होती है वो तेज़ नहीं होती है, तो इससे हमारे बर्नल जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे से खुल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूरे अच्छे से मैंने जूने को मतलब अपने जो गैस स्टोव पर मतलब उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको अपने बर्नल पे इसको जूने को मतलब रगड़ना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, जो बर्नल कभी कभी जो हम कुछ भी खाना पीना बनाते हैं ना वो इसके अंदर चला जाता है, तो ये देखिए ये इस तरह से बंद हो जाते हैं। तो जब आप इसको इस तरह से क्लीन करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से खुल जाएंगे और आपकी जो फ्लेम है वो काफ़ी अच्छे से फ्लेम मतलब निकलने लगेगी। तो यहाँ पर आप इसको चाहे तो पानी से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कपड़े से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा पानी में मतलब धोने से भी ना हमारा गैस स्टोव ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से मेरा ये क्लीन हो गया है। तो चलिए अभी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टिप भी हमारा किचन से ही है। तो ये मेरा तवा मैं आपको दिखा रही हूँ और अभी मैंने इस पर बनाए हैं पराठे। तो जब हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस पर ना एक लेयर सी जमा हो जाती है, मतलब लोहा जब जलता है ना आयरन, तो साइडों में ये देखिए आपको ये ना ये मतलब ये जला हुआ जो खाना है ना वो आपको दिख रहा होगा। तो इसको हमें कैसे क्लीन करना है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया है कोलगेट और थोड़ा सा मैंने इस पर डाला है बेकिंग सोडा, और उसी स्क्रबर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से मतलब क्लीन कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। और अभी मैं इसको वॉश करके आपको दिखाऊँगी कि ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये मैं आपको इसकी बैक साइड दिखा रही हूँ, बैक साइड भी कभी कभी ना ज़्यादा जलने से वाइट होने लगती है, तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको साफ़ पानी से वॉश कर लिया है और ये देखिए मेरा तवा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप भी हमारा किचन से ही है गाइस। जब हम डेली कप वगैरह में चाय पीते हैं तो इस तरह की तलियाँ जो कप की होती है ना वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो आज उसको बेहद ही आसान तरीके से मैं आपको क्लीन करना बता रही हूँ। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा कोलगेट डालेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे, और बस कुछ नहीं डालना है आपको, स्क्रबर लेना है और उससे आपको हल्के हाथों से इस तरह से उसको मांजना है, मतलब अच्छे से क्लीन करना है। अभी आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और बाहर वाली जो साइड होती है ना, अक्सर डंडी वाली साइड जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, या इनकी तली वाली साइड जो होती है, ये भी बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से क्लीन होने वाली हैं और आपके कप बिल्कुल नए कप की तरह बिल्कुल चमक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनको अच्छे और साफ़ पानी से धो लिया है। तो मैं अभी इनको आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से बिल्कुल नए जैसे चमक गए हैं। तो ये देखिए, पहले अंदर इसमें निशान हो रहे थे, अब बिल्कुल भी इसमें कोई निशान नहीं है गाइस। तो बताइए ये वाली टिप्स आपको कैसी लगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट टिप आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट टिप यहाँ मैं ले रही हूँ अपने कुकर की लीड। तो अक्सर हम कुकर को तो बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन लीड को हम अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए, जहाँ हमारी रबड़ होती है ना, यहाँ पर हमारी जो गंदगी है वो अक्सर ऐसे ही छूट जाती है, और ये अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ भी पीला पीलापन मतलब हो जाता है, बहुत अच्छे से वो क्लीन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोलगेट का यूज़ किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा आपको पता है एंटी बैक्टीरियल होता है और क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और जो पीले निशान हो जाते हैं ना बर्तनों पे वो बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। तो बस मैंने स्क्रबर की हेल्प से उसको मैंने जहाँ जहाँ पीले पीले निशान हो रहे थे ना वहाँ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है,
और ये देखिए साइडों में भी मैंने इसको ऐसे हल्के हाथों से ही मैं इसको मतलब रब कर रही हूँ, ज़्यादा मुझे इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और बस इसको हम अच्छे इसी तरीके से इसको साफ़ करेंगे और अभी आपको हम दिखाएंगे कि ये कितना बढ़िया तरीके से चमक गया है और बिल्कुल जंक फ्री हो गया है और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैंने देखिए इसको साफ़ पानी से धो लिया है और अभी आप देख लें ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है गाइस। तो ये वाली टिप्स आपको मेरी कैसी लगी, अभी चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टिप भी हम किचन से ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी केटल दिखा रही हूँ, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक केटल है। जब हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो जब इसमें लगातार पानी यूज़ होता है ना, तो पानी गर्म करने की वजह से ये देखिए अंदर से बिल्कुल वाइट पड़ चुकी है। तो मैं आज इसको बेहद ही आसान तरीके से इसको क्लीन करके दिखाऊँगी और बिल्कुल जंक फ्री आज हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा कोलगेट, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक, थोड़ा सा इसमें हमने डाला है हाफ लेमन और उसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया है और वो लेमन भी मैंने उसमें ही डाल दिया है। और अभी मैं इसमें हाफ चम्मच डिटर्जेंट ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें डिशवॉशर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें इसको बॉईल होने के लिए रखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट के लिए हमें इसको बॉईल करना है और ये देखिए पानी मेरा अच्छा से पक चुका है। तो यहाँ पर मैं अभी आप इसको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है गाइस और इसको अच्छे साफ़ पानी से मैंने इसको धो लिया है और मेरी जो केटल है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है और मुझे इसमें हाथों का भी यूज़ नहीं करना पड़ा है और जो इसकी साइड वाली जो मतलब परत थी वो भी क्लीन हो गई है और ये बिल्कुल नई की तरह चमक रही है। तो अभी हम नेक्स्ट टिप आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी सिल्वर की पायल यानी कि चांदी की, आप चाहे गोल्ड हो या आपके पास मतलब चांदी का कोई भी सामान हो, अक्सर हमें सुनार के पास जाना पड़ता है इसको क्लीन कराने के लिए, लेकिन आज हम इसको आपको बेहद ही आसान बनाने वाले हैं इस काम को। तो आप इसको आसान तरीके से घर में भी इसको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिया है कोलगेट, थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा लिया है और थोड़ा सा हमने लिया है नमक और उसमें डाला है हमने हाफ लेमन और थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है पानी। तो हमें इस पानी में अच्छे से ये सारी चीज़ें को मिक्स करना है और ये देखिए इस तरह से हमें इसमें मिक्स करना है ताकि इसमें एक अच्छे से झाग आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है और अपनी पायल को हमें इसमें 5 से 7 मिनट के लिए डाल के छोड़ देना है। तो इस तरह से देखिए हमें इसको डाल करके छोड़ देना है और अभी हमारे 5-7 मिनट हो चुके हैं और अभी हमें लेना है एक टूथपेस्ट और टूथपेस्ट की हेल्प से हमें इसको इस तरह से साफ़ करना है। तो अभी आप देखेंगे हमारी पायल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगी और वो काफ़ी गंदी हो रही थी मेरी पायल, मैंने आपको दिखाई भी है। तो यहाँ पर देखें आपके सामने ही मैं इसको क्लीन कर रही हूँ गाइज़। अब आपको सुनार के जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इनको आसान तरीके से घर में ही क्लीन कर लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरी पायल चमक गई है। तो बताइए ये वाली टिप्स आपको पसंद आई कि नहीं आई। और अगला टिप्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये बेहद ही यूज़ होने वाला टिप्स है, खासकर उन माओं के लिए जिन माओ के बच्चे अक्सर फीडर से दूध पीते हैं। और आप सभी को पता है कि फीडर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, जो बच्चे छोटे होते हैं दूध पीते हैं फीडर से। तो मेरा बेटा भी फीडर से दूध पीता है तो मैं उसकी फीडर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो चाहे वाटर बॉटल हो या फीडर हो दूध की हो, तो मैं कैसे क्लीन करती हूँ वो मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोलगेट लिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ गुनगुना पानी। तो इस तरह से आप वाटर बॉटल हो या फीडर हो उसको क्लीन कर सकते हैं और जंक फ्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको इसको बोतल को लगातार हिलाते रहना है और इसमें जितनी भी दूध पीने की वजह से मतलब दूध रखने की वजह से लगातार जो स्मेल हो जाती है, जो चिकनाई जम जाती है या जो बोतल धुंधली हो जाती हैं, वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएंगी ये देखिए, और शीशे की तरह चमकने लगेगी और जो पीलापन हो जाता है ना वो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आने वाला है और यहाँ बिल्कुल भी ये चिकनी नहीं है। तो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है गाइस। तो कैसे लगे मेरे आज आपको ये जो किचन से मैंने टिप्स और ट्रिक्स आप लोग आपके साथ में शेयर किए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मेरे कौन सा वाला टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। और बेहद ही आसान तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करी हैं। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रहे हैं, नई नई वीडियो देखने के लिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।